क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारतीय टीम ये न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला जीतने में सफल रहेगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली इनिंग में 165 रन बनाए। खराब बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम में 165 रनों पर ही आउट हो गई। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने आई और उन्होंने 348 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। भारतीय टीम की तरफ से ईशांत शर्मा ने इस इनिंग में सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई और 183 रनों की बड़ी लीड भारतीय टीम पर बनाई। इसके बाद भारतीय टीम इस मुकाबले के तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन थोड़े थोड़े समय के अंतराल में भारतीय टीम अपने विकेट गंवा रही थी। दूसरी इनिंग में मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 58 रन बनाए और सऊदी के शिकार बने। उसके बाद विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी, तभी 19 रन के निजी स्कोर पर विराट कोहली ट्रेंट बोल्ट के शिकार बने। अभ्यास मैच में बेहतरीन लय में दिख रही भारतीय टीम इस मुकाबले में ही डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब निचले क्रम के बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड द्वारा मिले विशाल लीड को तोड़कर भारतीय टीम को एक विशाल लक्ष्य तक भी पहुंचाना होगा, वरना अगर भारतीय टीम का निचला क्रम भी रन बनाने में नाकामयाब रहा तो भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से हार जाएगी और न्यूजीलैंड की टीम इस श्रृंखला में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बना लेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए लीड आगे पहुंच नहीं पाई है। इस समय भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों को संघर्ष करके रन बनाना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये नामुमकिन दिख रहा टेस्ट मुकाबला जीतने में सफल रहेगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।